संगद्वच्छं संवदद्वं संवो मनानसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समानो मंत्रः समीति समानी समानं मन सहचित्तमेषां समानं मंत्राभिमंत्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि। समानी व आकूति समाना हृदयानिव समान वस्तु वो मनो यथा व सुहासित। ऋग्वेद के 10वें मंडल का यह 191वां सूक्त है। इस सूक्त में सबकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले अग्निदेव की प्रार्थना है। ये जो प्रार्थना है वो कहती है कि आप सब परस्पर प्रेम से मिलकर रहें, आपस में प्रेम से मिलकर के संवाद करें, समान मन होकर के ज्ञान प्राप्त करें जैसे श्रेष्ठ जन एक मत होकर के करते हैं। और हम आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए एक समान हो इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं और ऐसी हवि देते हैं कि तुम्हारे हृदय एक समान हो जाए और मन एक समान हो जाए। आज जिस पुस्तक का विमोचन है, ऐसे सुप्रसिद्ध संवाद शास्त्री श्रद्धेय प्रोफेसर कुठियाला जी की पुस्तक संवाद का स्वराज, इसकी प्रस्तावना भी सुप्रसिद्ध साहित्यकार और कलाधर्मी श्रद्धेय सच्चिदानंद जोशी जी ने लिखी है। उनकी प्रस्तावना में एक पंक्ति आई, वो मैंने पढ़ी, वो ये थी कि सभ्यता संस्कृति और दर्शन के विकास में संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब यह पंक्ति मैं पढ़ता हूँ तो मुझे संवाद की भारतीय परंपरा का स्मरण हो उठता है। विश्व की अनूठी और अनुकरणीय संस्कृति को जब मैं देखता हूँ तो ध्यान आता है कि इसका विकास का आधार ही संवाद है। हमारी परंपरा में है संवाद का स्वराज। यह संवाद ही तो है जो समाज को दिशा देता है। हमारे ग्रंथ क्या हैं? संवाद से उपजे दर्शन, एक ने प्रश्न किए, दूसरे ने उनके उत्तर दिए और दर्शन की उत्पत्ति हुई। अर्जुन ने प्रश्न पूछे, कृष्ण ने उत्तर दिए, तब गीता का महात्म हमें प्राप्त होता है। यक्ष ने प्रश्न पूछे, धर्मराज ने उत्तर दिए, जीवन का सार हमको प्राप्त होता है। जिन्हें हम संचार क्षेत्र का अधिष्ठाता मानते हैं, ऐसे देवर्षि नारद ने जब धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे तो हमको सुशासन के सूत्र प्राप्त होते हैं, सुशासन का दर्शन प्राप्त होता है। और जब बालक नचिकेता यमराज से प्रश्न करता है तब हमें जीवन और मृत्यु का महत्व पता चलता है, उसका रहस्य पता चलता है। जनक की सभा में जब ब्रह्म ज्ञानी याज्ञवल्क से ब्रह्मवादिनी गार्गी प्रश्न पूछती हैं तब संसार के सामने अनेक समाधान प्रस्तुत होते हैं। और शास्त्रार्थ के अंत में जब ब्रह्मवादिनी गार्गी पराजय स्वीकार कर लेती हैं तो याज्ञवल्क कहते हैं कि गार्गी तुम इसी प्रकार प्रश्न पूछती रहो, इसमें संकोच मत करो, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं तब ही उत्तर सामने आते हैं और ऐसे उत्तर समाज को लाभान्वित करते हैं। यह है संवाद के प्रति भारतीय दृष्टि और व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति भारतीय दृष्टि। हम कुंभ के मेले की मूल परंपरा को देखें तो वहां भी हमें संवाद का स्वराज दिखाई देगा। वर्ष भर देश भर में भ्रमण करते हुए समाज की रीति कुरीतियों को समझते हुए, उनको अनुभव करते हुए, विभिन्न मत पंथ संप्रदाय के विद्वान जन कुंभ मेले में जब एकत्र आते हैं और जो उनका अपना अपना अनुभव होते हैं उसको साझा करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें से एक मार्ग बनाते हैं समाज जिस पर आगे चलेगा, समाज के लिए एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। एक व्यक्तिगत मेरा अनुभव प्रसंग है, उसको भी मैं प्रस्तुत करता हूँ क्योंकि वो प्रासंगिक है। ओजस्वी वाणी और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी आदरणीय मुकुल कानेटकर जी, जिनको हम सब ने कई बार सुना भी है, वो एक बार मेरे घर आए। और जब वो घर आए तो मेरे बालक ने उनसे अनेक प्रकार के नाना प्रकार के प्रश्न पूछना प्रारंभ कर दिया। तो कई बार अभिभावक ऐसा समझते हैं कि बच्चा अगर अतिथि से प्रश्न पूछ रहा है तो अतिथि असहज हो रहा होगा या इरिटेट हो रहा होगा। तो मैंने भी वैसे ही सोच करके उस बालक को थोड़ा डपट दिया, अरे क्या है तुम बेकार के प्रश्न पूछ रहे हो, छोड़ो उनको परेशान मत करो। हुआ क्या, माननीय मुकुल जी ने मुझे ही डपट दिया, बोले बालक है, बालक को प्रश्न पूछने दो, जब वो प्रश्न पूछेगा तभी तो उसके मन की जिज्ञासाएं शांत होंगी, उसे समाधान मिलेगा। तो संवाद का उद्देश्य समाधान होना चाहिए, लोकहित होना चाहिए,
नए ज्ञान का सृजन होना चाहिए, लेकिन वाह विचारों के प्रभाव में आकर संवाद की यह परंपरा अपना हेतु खो चुकी है, उद्देश्य विहीन हो गई है और हम समाधान के लिए संवाद नहीं कर रहे, आज स्वयं को सिद्ध करने के लिए कुतर्क करते हैं, अपनी अपनी हाँक रहे हैं। संवाद की ऐसी महान परंपरा को हमने वाक युद्ध बना दिया है, वह सब जीतने के लिए होने लगी हैं। ऐसे में संवाद अपना अर्थ खो बैठा है और तब तो तय है कि सभी बहसें निरर्थक ही रहनी हैं, उनका कोई परिणाम नहीं आना, मार्ग उसमें से कुछ निकलना नहीं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश विरोधी नारों में बिल्कुल भी नहीं है। समाज को सांप्रदायिक और जातीय आधार पर विभाजित करने वाले स्वरों में भी किंचित भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाज को एकजुट एक साथ लाने में है। आज जब हम भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब क्या हमें ध्यान नहीं आता कि हमारे लिए स्वतंत्रता के मायने क्या हैं, इस शब्द के हमारे लिए महत्व क्या है। स्वतंत्रता के पथ पर जो भी चले, उनका लक्ष्य एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना था, तब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लक्ष्य भी क्या होना चाहिए, यही एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लक्ष्य होना चाहिए। क्या भारत को चिकन नेक से मरोड़ कर तोड़ देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो सकता है? नहीं। तो सच में ऐसी परिस्थितियां हैं आज कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भारतीय दृष्टि, इस पर बात करना बहुत प्रासंगिक हो जाता है और देश के कोने कोने में संवाद की भारतीय परंपरा पर विमर्श होना चाहिए। संवाद के स्वराज तक हमारे अपने मनों को पहुंचना चाहिए और तब ही हम ऋग्वेद के जो श्लोक मैंने सूक्त मैंने पढ़े प्रारंभ में, हम उस उद्देश्य तक अपने संवाद को ले जा सकते हैं।